हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरदीन और आप देख रहे हो फरदीन गेमिंग। तो आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ और आज हम देखने वाले हैं मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी में क्या क्या नया अपडेट आया है। तो गाइस, बहुत ही क्रेजी अपडेट आया है, बहुत ही क्रेजी। तो देखते हैं गाइस क्या क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले हमारे पॉकेडेक्स में जाते हैं। तो गाइज, यहाँ दो बहुत ही बीस्ट पोकेमोन आ चुके हैं। तो सबसे पहले वाटर टाइप में हम जाके देखते हैं एकदम एंड में। तो गाइज, यहाँ पे शेडो ग्रेनिन जाओ भाई, कतई जहर पोकेमोन है और अटैक टाइप पोकेमोन है। और ये देखिए गाइज, 1 स्टार और शेडो ग्रेनिन जा 2 स्टार और इसका अटैक भी वाटर शेडो एस्केप मून फ्लैश शेडो चॉप स्वॉर्ड डांस। तो गाइज, ये बहुत क्रेजी है, अटैक टाइप पोकेमोन है और 780 इसकी पावर है। उसके बाद गाइज, एक और बहुत ही खतरनाक पोकेमोन आया है। तो चलते हैं हम फेरी टाइप में। तो गाइज, फेरी टाइप में ये तो उससे भी खतरनाक पोकेमोन है। तो चलते हैं एंड में। तो गाइज, यहाँ पे आ चुका है ओरिजन मीट्यू गाइज। तो ये बहुत ही बीस्ट पोकेमोन है और इसका 1 स्टार गाइज क्या दिख रहा है, 1 स्टार और 2 स्टार भाई, कतई जहर पोकेमोन। और ये भी पोकेमोन अटैक टाइप का पोकेमोन है, ये भी 780 का पावर है इसका भी। तो गाइज, ये बहुत क्रेजी है। और उसके बाद गाइज, टापू कोको का नया अटैक आ चुका है। तो कहा गया ये रहा। तो गाइज, टापू कोको के नए अटैक आ चुके हैं, इसकी पावर 100 है और इसकी भी पावर 100 है। तो ये गाइज, टापू कोको के नए अटैक नेचर डाइव और सोनिक वर्ल्ड। उसके बाद अनचेन हुपा के भी गाइज 2 अटैक आ चुके हैं, 1 अटैक आ चुका है नया। तो गाइज, इसे मैं लेने वाला हूँ इस पोकेमोन को जल्दी। तो ये रहा उसका नया अटैक हैंड ऑफ डेविल। इस अटैक में ये अरोरा वेल लेके आएगा गाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस, इसके बाद सबसे क्रेजी जो मुझे सबसे अच्छा लगा, तो गाइस चलते हैं हमारे गच्चपन में। तो गाइस, गच्चपन में हमारे पॉइंट शॉप में चलते हैं। तो गाइस, यहाँ एकदम नीचे देखिए गाइस, कायोगरे का मेगा शार्ड। गाइस, ग्लोबल बैटल हम इतना खेलते हैं और उसमें हमें कभी कभी एक मिलता है या कभी कभी मिलता ही नहीं है। यहाँ 40 पॉइंट से हमें मिल रहा है और आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। और हो का एवोल्यूशन स्टोन है, थंडर का एवोल्यूशन स्टोन है गाइस। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कायोगरे का मेगा शार्ड आया है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद गाइस, चलते हैं हमारे पोकेमोन एक्सचेंज शॉप में। तो गाइस, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, उसके बाद देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे एक्सचेंज में भी बहुत कुछ अच्छा आ चुका है। तो गाइज, यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये बहुत क्रेजी वाला ऑप्शन है, कन्वर्जन स्टोन एक्सचेंज। इसमें सभी पोकेमोन के कन्वर्जन स्टोन आ चुके हैं। ये देखिए, गेराडोस का, म्यूटू का, और ये सब आप टिकट से ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए गाइज, म्यूटू का और बहुत सारे बीस्ट पोकेमोन। ये देखिए, ग्रूडोन का, कायोग्रे का, ग्रेनिंजा का, रेड म्यूटू का। तो गाइज, बहुत ही अच्छा है ये। इसके बाद बहुत बीस्ट पोकेमोन है, ये देखिए गार्चम का भी आ चुका है, रेक्वाजा का भी आ चुका है, लुगिया का भी आ चुका है, फिर यहाँ विनसोर का भी आ चुका है, गेराडोस का फिर से, उसके बाद सेप्टाइल का भी आ चुका है गाइज। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी टिकट अभी तो अवेलेबल नहीं है, मे बी जल्दी से ये इवेंट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फैशन शॉप में भी बहुत कुछ नया आ चुका है। तो देखिए गाइज, ये एक नया कैरेक्टर आ चुका है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आ चुके हैं। ये शायद से था पहले से ही शायद से। तो उसके बाद ये नर्स नई आई है, उसके बाद ये भी शायद से था या नहीं था, मुझे याद नहीं है ठीक से। ये नई आई चुकी है कैरेक्टर। उसके बाद ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आए हैं गाइज नए नए, जो बहुत ही कतई जहर दिखते हैं। तो ये भी थी सिंधिया। उसके बाद ये शायद से एक नया आ चुका है कैरेक्टर, ये भी नया आ चुका है, ये बहुत ओपी दिख रहा है गाइज। फिर ये है एक, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है गाइज, मुझे याद नहीं है कौन से नए पुराने वाले हैं। तो गाइज,
ये भी शायद से नया आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे हमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर भी देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद हमें माउंट में देखने को मिल जाता है गाइज RCS का माउंट, पर ये पोकेमोन अभी अवेलेबल नहीं है इस गेम में। शायद से बहुत ही जल्दी ये पोकेमोन आने वाला है। तो गाइज ये पोकेमोन बहुत ही कतई जहर है और इसका माउंट आ चुका है अभी। उसके बाद देखते हैं गाइज हमारे स्टोर में क्या आ चुका है। तो यहाँ पे तो सब नॉर्मल ही है, हॉट सेल में भी सब नॉर्मल है, मिथिक में भी सब नॉर्मल। तो क्लब में गाइस शायद से मगेनियम का इवोल्यूशन स्टोन आ चुका है गाइस क्लब में। और उसके बाद इसमें कुछ देखते क्या नया है। तो गाइस वही है, बाकी का तो सब, सिर्फ मगेनियम का इवोल्यूशन स्टोन आ चुका है क्लब में। उसके बाद देखते हैं हंटिंग में क्या आया है। तो गाइस हंटिंग में डिटेक्टिव पिकाचू का इवोल्यूशन स्टोन आ चुका है। और स्टेप लिस्ट में तो गाइस सब वही लग रहा है मुझे तो। उसके बाद पिका कॉइन्स में तो गाइस सब बहुत महंगा मिलता है, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लीग में भी आई थिंक सो सब वही है, तो लीग में भी शायद से सब वही है, अटैक वटैक और वो सब। ग्लोबल में भी कुछ नया आया नहीं है, सब वही है। उसके बाद मेडल में भी, स्किन वाले में भी कुछ नया नहीं आया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मेरी पिछली वाली जो वीडियो थी ग्लोबल बैटल वाली, उसमें आप लोगों ने गाइस इतना सपोर्ट किया था मुझे, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे, बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। अभी तक मेरी चैनल पे कोई भी हेट कमेंट या हेट नहीं आया है, तो ये बहुत अच्छी बात गाइस है। और सभी सब्सक्राइबर मेरे बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसे ही रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे सजेशन देते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को अगर आप नए हो, तो मैं और नई नई वीडियो ऐसी लाती रहूँगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा। और फ्रेंड्स आपको मेरे स्टार्टिंग का इंट्रो कैसा लगा वीडियो का, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत से बनाया था उसे भी। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I've been